अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर एलएमएस फ्रॉम हेड ऑफिस। आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर। इस तरह की जो नवयत का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंस रखता है। इसके अलावा हम इसी तरह की बिल्कुल सेम एज इट इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं होम ट्रेड के प्रोसीजर के अंदर। होम ट्रेड के टॉपिक में, प्रोसीजर ऑफ होम ट्रेड, उसमें ये सारी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं हम। इसलिए इसको एक ब्रीफ डिस्कशन में लाएंगे और उसके बाद अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास काइंड्स ऑफ लेटर में सबसे पहले है लेटर ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसके जरिए जो बायर होता है वो सेलर के साथ कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने का एक जरिया बनता है और इसमें जो शख्स अशिया को खरीदना चाहता है उसको सबसे पहले खरीदने के लिए उन तमाम अशिया की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वो इस लेटर को लिखता है और इसमें आम तौर पर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन के लिए लिए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, क्या तुम्हारे पास गुड्स मौजूद हैं। क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी क्या है। प्राइस एंड डिस्काउंट, कीमत और उस पर कितना कंसेशन होगा। पैकिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को किस तरीके से पैक किया जाएगा। टर्म्स ऑफ सेल, टर्म्स ऑफ सेल का मतलब है क्रेडिट सेल कितनी होती है और कैश सेल्स में क्या है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरिंग, कितनी देर में अशिया पहुँच जाएंगी। मोड ऑफ पेमेंट और हम आपको पेमेंट कैसे करेंगे। ये चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कोटेशन लेटर। कोटेशन लेटर हमेशा इंक्वायरी लेटर का रिस्पॉन्स होता है जो कि हमेशा सेलर की तरफ से किया जाता है। इसमें आमतौर पर जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसका जवाब दिया जाता है और इसमें वो बताता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस एंड डिस्काउंट्स, डिटेल ऑफ डिलीवरी एक्सपेंसेस, आप तक अशिया पहुंचने तक कितने अखराजात आएंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सच डिलीवरी, हमें कितना वक्त चाहिए और मोड ऑफ पेमेंट, ये तमाम बातें इसमें मुकम्मल होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो ऑर्डर लेटर है। Letters containing orders for certain goods are called order letters. Order letters में अशिया का order दिया जाता है जिसमें हम कहते हैं buying की confirmation हो जाती है। उसमें अशिया की इकसाम, उसकी तादाद, उसकी खसूसियात, उसकी कीमत और तमाम अदायगी की शरायत मौजूद होती हैं और जिसमें जिसको आप buyer की तरफ से या आप seller को लिख दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4 पर आता है क्लेम एंड कंप्लेंट लेटर्स। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्लेम्स का मतलब ये है, इसका जो जवाब होता है वो बड़ा मुश्किल बन जाता है क्योंकि इसमें जस्टिफाई करना होता है आपने कंज्यूमर को, कस्टमर को अपने। इसको हमेशा एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लिखता है या आमतौर पर रेलवे अथॉरिटीज को लिखा जाता है या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को लिखा जाता है। इसके अंदर हमें करना क्या पड़ता है कि जितना भी क्लेम है वो हमें एक्यूरेट और करेक्ट बताना पड़ता है। ये इसलिए बताना पड़ता है कि कल को अगर क्लेम कम हो या ज़्यादा हो तो फिर उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। फिर बात में, यानी कि हम आम अल्फाज में उसको कहते हैं, वजन नहीं रहता। तो इसलिए हमें इसको केयरफुली एक्सप्लेन करना पड़ता है, टैक्टफुली डील करना पड़ता है, बड़ा कूल माइंडेड होकर लिखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है। इसके बाद एडजस्टमेंट लेटर आता है। एडजस्टमेंट लेटर्स में ये एक कंप्लेंट लेटर का रिप्लाई होता है, जवाब होता है। इसमें आप अपने कस्टमर को डिस्करेज नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने कस्टमर को लूज करना जो होता है वो ठीक नहीं होता,
मसलन आपने इस लेटर को जब लिखना है तो अपने जहन में ये बात सबसे पहले रखनी है कि आपका कस्टमर रिटेन रहे, कस्टमर लूज ना हो। इसके लिए बड़े पोलाइट वर्ड्स होने चाहिए, बड़े रीजनेबल वर्ड्स होने चाहिए ताकि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो सके। इसके बाद जो लेटर लिखा जाता है वो आपके सामने है, कलेक्शन लेटर। कलेक्शन लेटर्स का मतलब ये होता है कि जब ये हमेशा सेलर की तरफ से लिखा जाता है और इसमें भी बड़ी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना पड़ता है। इसमें पहला लेटर लिखना पड़ता है बड़ा पोलाइट वे में, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर किस चीज़ का है कि आपके अगर कोई गुज़िश्ता पैसे हैं, आउटस्टैंडिंग पैसे हैं, वो भी क्लियर किए जाएं, और सेटलमेंट रिक्वेस्टेड होती है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि अपने पैसे जो हैं वो सेटल कर दिए जाए। अगर उसका जवाब ना आ सके तो फिर एक सेकेंड रिमाइंडर होता है। सेकेंड रिमाइंडर में भी कुछ रीजंस बताई जाती हैं इसी तरह। फिर थर्ड रिमाइंडर होता है, और जो स्ट्रिक्टर वाइल इन फोर्थ एंड फाइनल लेटर थ्रेट ऑफ लीगल, इसका मतलब चौथे या पांचवें लेटर पर जाकर आप उसको कलेक्शन लेटर्स के आकर जाकर उसको लीगल थ्रेट आप दे सकते हैं। लीगल थ्रेट के मामले में आकर आप अपने कलेक्शन लेटर्स की एक आखिरी लिमिट होती है उसको कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है लेटर्स रिगार्डिंग एजेंसी। अक्सर उकात मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपनी एजेंसीज को ट्रेड करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जगहों पर अशिया को फरोख्त करते हैं। आमतौर पर आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, डॉलन्स की फैक्ट्री है, पेल है, हायर है, इनके मुख्तलिफ एजेंसीज होल्डर हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए हैं। तो गुड्स की जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भेज दी जाती है, और फिर इसी कंपनी की तरफ से इन लेटर्स को एजेंसीज को जो लिखा जाता है कि इंटरेस्टेड ट्रेडर्स टू द मैन्युफैक्चरर टू फॉर गेटिंग द एजेंसी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। आप देखें एजेंसी जो है जब उनके पास उनकी प्रोडक्ट को लेना चाह रही होती है तो तब हम लेटर रिगार्डिंग एजेंसी का लिखते हैं। उसमें तमाम तरह की जो एजेंसी जिसने हायर करनी होती है वो अपने तमाम फाइनेंशियल स्टेटस को क्लियर करता है, बिजनेस के कनेक्शंस को क्लियर करता है, कम से कम वो रकम उनको बताता है जिससे वो गारंटी देगा डीलर मैन्युफैक्चरर को कि हम आपका काम आपके साथ काम करेंगे। इसके बाद रेफरेंस लेटर होता है। रेफरेंस लेटर ऑन आस्किंग फॉर क्रेडिट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप जब अपने एजेंसी के साथ या अपनी गुड्स कहीं से भी खरीदने पर जब आप उसकी रिक्वेस्ट करते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो ये रेफरेंस, इट इज नेसेसरी टू गिव रेफरेंस बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। सप्लायर डिजायर टू नो रिप्यूटेशन, यानी कि वो आपकी रिप्यूट के बारे में डिजायर रखता होगा, आपका करेक्टर, फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है परचेजर की वो देखना चाह रहा होता है। व्हेन रिप्लाइंग सच इंक्वायरीज केयर शुड बी टेकन टू सप्लाई करेक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे पास आता है सर्कुलर लेटर्स। ऐसा लेटर जिसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, चेंज इन एड्रेस, इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट्स, ऑब्टेनिंग एन एजेंसी, ये तमाम जो लेटर्स हैं वो सर्कुलेट किए जाते हैं ताकि इसकी आगाही, आमतौर पर आगाह किसी इंफॉर्मेशन से आगाह करने के लिए ये लेटर्स लिखा जाता है। आखिरी पॉइंट है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन दो तरह की होती है। आमतौर पर जॉब एप्लीकेशन आप समझते हैं कि आप न्यूज़पेपर में कोई जॉब के लिए देखते हैं, उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आप उसके लिए एक लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं। आमतौर पर ये दो तरह के होते हैं, जिसको हम सोलिसिटेड कहते हैं या अनसोलिसिटेड कहते हैं। सोलिसिटेड का मतलब होता है ऐसा लेटर जो आपको न्यूज़पेपर में, जिसकी आप न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और अनसोलिसिटेड का मतलब होता है कि आपने डायरेक्टली फर्म को लेटर लिख दिया है। लिहाजा उम्मीद है क्वेश्चंस आपको मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।